chapter 1, Knowing Our Numbers. Today we have topic estimation mean round of the numbers. So today we will learn about round of the numbers, nearest tens, hundreds and thousands and so on. So क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है एस्टिमेशन है, मीन पहले हम एस्टिमेशन को जान लेते हैं कि एस्टिमेशन होता क्या है. सपोज स्टूडेंट वी गो टू मार्केट, अगर किसी मार्केट में जाते हैं एंड वी स्पेंड सम मनी टू परचेज द गुड्स लाइक मनी 497 rupees. अगर हमारे 497 rupees खर्च हो जाते हैं तो उसको हम राउंड ऑफ करके बोलते हैं कि हमारे 500 rupees खर्च हो गए. तो दैट इज द एस्टिमेशन. सो लाइक दैट 497 अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो आपकी 500 rupees, आप उसको बोलते हैं कि हमारे 500 rupees खर्च हो गए. या फिर 204 rupees आपके खर्च होते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि 200 rupees हमारे स्पेंड हो गए. तो दैट इज द एस्टिमेशन मीन राउंड ऑफ द नंबर. सो अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेशन, यस इन दिस कंसेप्ट वी राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स एंड सो ऑन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस हम नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, पहले टेंस में, हंड्रेड्स में और फिर थाउजेंड. सो फॉर दिस राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड. तो वी टेक ए नंबर, हम एक नंबर लेते हैं जिसको हम नियरेस्ट टेंस पर, उसके बाद हंड्रेड पर, उसके बाद थाउजेंड पर राउंड ऑफ करते हैं. सो फॉर दिस इफ वी हैव ए नंबर 65663, दैट इज फर्स्ट नंबर वी हैव. सो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले हाउ टू रीड दिस नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. यस, सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड. क्योंकि मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है सबसे पहले नियरेस्ट टेंस पर, टेंस के लिए. सो राउंड्स टू द नियरेस्ट टेन. टेन के लिए आप उसको राउंड ऑफ करेंगे. सो आपको क्या चेक करना है, टेंस प्लेस पर आपका डिजिट क्या है. वी हैव सिक्स और सिक्स से जस्ट पहले का आपको डिजिट चेक करना है कि आपका डिजिट क्या है. थ्री, वंस प्लेस पर आपका थ्री है, विच इज लेस देन फाइव. यस, विच इज लेस देन फाइव. ओके, जब आपका डिजिट लेस देन फाइव होता है, इट मीन जो नियरेस्ट प्लेस पर आपका डिजिट होता है आप उसको एज इट इज रखते हो और आगे के जो डिजिट है उसको जीरो में कन्वर्ट कर देते हो. तो हमारा जो नंबर आएगा राउंड ऑफ हो गए 65. यस, 656 एंड ये वाला 6 एज इट इज रहता है, 6 एंड 0. सो हमारा जो नंबर है राउंड ऑफ होके दैट इज द नंबर. ओके, क्या आता है दैट इज ओके. सो आप इसमें कॉमास अगर पुट करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट के बाद हम कॉमा पुट करते हैं, सो हमारा नंबर क्या पड़ा जाता है 65000. यस, 660 दैट इज द नंबर. ओके, सो अगेन टेक दिस नंबर, वी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100. ठीक है, हम सेम नंबर लेते हैं और इस बार हमें नियरेस्ट 100 इसको कन्वर्ट करना. सो 65663. यस, राउंड्स टू नियरेस्ट 100. इस बार हम 100 पे चेक करेंगे, मीन वन स्टैंड एंड 100. 100 प्लेस पर जो हमारा डिजिट है वो 6 है, तो 6 से जस्ट पहले का डिजिट आप चेक करेंगे, मीन 100 से जस्ट पहले का डिजिट, मीन टेंस प्लेस पर आप डिजिट को चेक करेंगे, विच इज लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5, दैट इज 6, इट मीन्स ग्रेटर देन 5 b
ग्रेटर देन 5, जब हमारा नंबर ग्रेटर देन 5 होता है, इट मींस नियरेस्ट प्लेस पर जो डिजिट होता है उसमें 1 प्लस करते हैं और आगे की डिजिट को हम रिप्लेस बाय 0, 0 में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो 6 5 एज इट इज रहता है हमारा, 6 5 एज इट इज, एंड दिस 6 प्लस 1 मीन 7, एंड आगे की जो 2 डिजिट है कन्वर्ट बाय 0 मीन 0 0. अगर इस नंबर को हम पढ़ते हैं तो कैसे, लास्ट के 3 डिजिट बाद एरो आई मीन कोमा, 65,700, दैट इज द नंबर. यस, अगेन दिस नंबर, हम इस नंबर को दोबारा नहीं लेते हैं, इस बार वी राउंड ऑफ द नंबर. यस, नियरेस्ट 1000. ओके, 1000 प्लेस पर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं. सेम नंबर हम लेके चलते हैं, हमारा नंबर सेम है, दैट इज 6566 3 मीन 100, टेंस सॉरी वन टेंस 100, 1000 एंड 10,000. Okay. So we round off, rounds to the nearest, yes, nearest 1000. Okay, 1000 पर हम इसको convert करते हैं, mean that is 1000 place पर हमारा जो digit है 5 है, तो उससे just पहले का digit आपको check करना है, वो 6 है, that is greater than 5, it means अगर हमारा नंबर greater than 5 है तो it means nearest place को जो digit है आप उसे 1 plus करेंगे और आगे की digit को 0 में convert करेंगे. So हमारा जो नंबर आता है 6 as it is रहता है ये first, and 5 plus 1 means 6, आगे की 3 digit replace by 0 means 0 0 0. तो हमारा जो नंबर है that is 66,000. So we take next example for this. Yes. So, if we have next number 43759, that is the number. So, according to this, how to read this number to Indian system? 43759. Yes, one stands 100, 1000, 10,000. Okay. So, first we convert, mean we round off the numbers nearest tens. So nearest tens rounds to nearest, yes, tens. Tens place पर इसको convert करते हैं. Nearest tens, yes, tens का मतलब ये digit आप tens place पर आपका 5 है, उससे just पहले की digit आप check करेंगे. That is greater than 5, yes. That is greater than 5. इट मीन्स आपका जो नियरेस्ट प्लेस पर डिजिट है मीन 5, आप उसमें 1 प्लस करेंगे और आगे के डिजिट को 0 में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका नंबर आ जाएगा 437, दैट इज 6 और आगे 0, दैट इज द नंबर, एंड पुट द कॉमास. सो 43,760, दैट इज, सो वी राउंड ऑफ द नंबर, दिस नंबर अगेन नियरेस्ट टू 100. सेम नंबर हम ले लेते हैं, 43 yes 759 rounds to nearest 100 place पर आप इसको इस बार राउंड ऑफ करेंगे, मीन 100 place पर आपका 7 है, उससे जस्ट पहले की डिजिट आपको चेक करनी है, विच इज इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 है. इट मीन्स अगर टू ऑप्शन होते हैं आपके पास, अगर इक्वल 5 है या ग्रेटर देन 5 है, इट मीन्स नियरेस्ट प्लेस पर आप डिजिट को 1 प्लस करते हो. अगर आपका नंबर लेस देन 5 है, इट मींस नियरेस्ट प्लेस पर डिजिट को आप सेम रखते हो. ओके, सो क्योंकि 5 है मीन इक्वल टू 5 के इक्वल है, इट मींस 7 प्लस 1 आपका जो डिजिट रहेगा, 7 प्लस 1 मीन 43, 7 प्लस 1 8, और आगे के जो डिजिट्स हैं वो हमारी कन्वर्ट बाय 0 मीन 0 0. तो 43,800, that is the number, 800. Okay, next we round the number, this number again nearest 1000. तो हम same number ले लेते हैं, इस number को इस बार हमें yes nearest 1000 पर convert करना है, mean round off करना है. Yes, so same number हमारा है, rounds to the nearest 1000. 1000 प्लेस पर आपको इसको इस बार राउंड ऑफ करना है, मीन 1000 प्लेस पर आपका 3 है,
उससे जस्ट पहले का डिजिट आपको चेक करना है. इट इज ग्रेटर देन 5 यस. सो ग्रेटर देन 5 हम ये हमारा ग्रेटर देन 5 है. इट मींस 1000 प्लेस पर आपकी जो डिजिट है उसमें आप प्लस 1 करेंगे और आगे की डिजिट को आप रिप्लेस बाय 0. सो 4 एंड दिस अगेन 3 प्लस 1 मीन 4. 4 4 एंड आगे की जो 3 डिजिट्स है कन्वर्ट बाय यस 0. 0 0 तो हमारा जो नंबर है 44,000 दैट इज द नंबर. ओके तो इसके लिए आपको एक मेन पॉइंट याद रखना होता है कि जो हमारा डिजिट है 5 केवल हम फोकस करते हैं 5 पर. तो इसके लिए आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है दैट इज अगर हमारा नंबर 5 है यस या 5 से ग्रेटर है ग्रेटर देन 5 है तो जो नियरेस्ट प्लेस की डिजिट होती है यस उसमें आप क्या करते हैं एड 1 एडिंग 1. सो nearest place digit yes increase by 1 उसमें आपको 1 प्लस करना. if less than 5 mean digit अगर आपका 5 से कम है मीन 3 टू 4 कुछ भी है तो आप क्या करेंगे nearest place digit yes is unchanged. तो आपको nearest place का जो digit है उसको unchanged रखना है आगे की replace by 0. अगर आपका digit 5 और 5 से greater है तो nearest place का जो digit है उसमें आप increase by 1 करेंगे and अगर 5 से कम है तो आप क्या करेंगे same number उसको रखेंगे. It means estimation plays an important role in our daily life. इसका मतलब estimation का एक main role है हमारी life में. So that is complete. Okay.